और दोस्तों इस 2024 में 25,000 के आसपास बहुत सारा न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और आप लोग भी 25,000 के अंदर एक जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो और 25,000 के अंदर बहुत सारा स्मार्टफोन लॉन्च होने के कारण आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए ना। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो आप लोग 25,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और दोस्तों ये सारे स्मार्टफोनों में टॉप नॉइस लेवल का कैमरा मिल जाएगा ओएस के साथ और सोनी सेंसर का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप लोग फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और कुछ स्मार्टफोनों में फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, कर्व डिस्प्ले के साथ साथ बिग रैम, बिग स्टोरेज का सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टॉप नॉइस लेवल का दिया गया है। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Honor X9B। 25,000 के अंदर Honor की तरफ से प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1200 nitpick brightness मिल जाता है, डॉप रेजिस्टेंट डिस्प्ले दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया है तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ट है। 5,30,000 के आसपास एंड्रॉइड फोन निकल जाता है। 11 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X EFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5800mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 35W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, मैजिक ओएस 7.2 पे बेस्ड होगा। 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जो 8GB रैम 256GB का वेरिएंट अभी के टाइम पे डिस्काउंट आगे 23,000 के अंदर मिलेगा। नंबर 4 पे आता है OnePlus की तरफ से Note CE3। OnePlus की तरफ से एक अच्छा कैमरे के साथ आने वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 nitpick brightness मिल जाता है, HD 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है और 240Hz का ट्रांसफॉर्मिंग रेट दिया गया है। और परफॉर्मेंस का बात किया है तो Qualcomm के तरफ से Snapdragon 782 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 7 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 8 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं जिसके लिए OnePlus का स्मार्टफोन जाना जाता है। ये स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सोनी IMX890 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। और 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 80W फास्ट चार्जिंग को। 0 to 60 1% चार्ज 15 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, ऑक्सीजन ओएस पे बेस्ड है, LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात किया तो 8GB रैम 128GB वाला वेरियंट आप लोगों को डिस्काउंट के टाइम पे 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Realme 12 Pro। 25,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक टॉप नॉइस लेवल का कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली Realme 12 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D का OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 nitpick brightness मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात किया तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 5,70,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल कर आता है, 9 5G का सपोर्ट दिया गया है और LPDDR4X रैम मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, सोनी IMX882 सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और गाइस 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन को छोड़ के और कोई भी स्मार्टफोन में आप लोगों को टेलीफोटो लेंस
नहीं मिलता है। और 5000 mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67 वाट फास्ट चार्जिंग को, 0-50% चार्ज 19 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। रियलमी UI पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में TDS स्पीकर देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की है तो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट ला के 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है नथिंग फोन 2A। 25,000 के अंदर नथिंग की तरफ से एक जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो नथिंग फोन 2A की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये स्मार्टफोन का पीछे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल डिजाइन देखने को मिल जाएगा इस पर। और ये स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा OIS के साथ और 50 MP का अल्ट्राइड कैमरा मिलेगा। 32 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है और ये स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा ही देखने को मिलेगा। और परफॉर्मेंस की बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 का प्रो प्रोसेसर मिल जाएगा जो 4 nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड होगा। 7 लाख के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आ जाएगा। 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम EFH 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की बात की तो 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1300 nitpick by 240Hz का ट्रांसमिशन रेट, HDR10+ का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया जाएगा। और ये स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगा 45W फास्ट चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। नथिंग OS पे बेस्ड होगा। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन का पीछे आप लोगों को लाइट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड के साथ क्लीन UI एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 24,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है पोको X6 Pro। 25,000 के अंदर एक अल्टीमेट लेवल का अल्ट्रा फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1800 nitpick by 1200 HDR10+ का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट और 12-bit डिस्प्ले दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 8300 का अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है जो 4 nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 1.4 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 14 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5X रैम UFS 4.0 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 MP का अल्ट्रा, 2 MP मैक्रो और 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा देखने को मिल जाता है। और 5000 mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। HyperOS पे बेस्ड है। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। केमिकल कूलिंग चेंबर मिल जाएगा। आयर ब्लास्टर NFC का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस के बाद की तो 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट 26,999 रुपीज पे मिलेगा। डिस्काउंट लगा के 25,000 के अंदर मिल जाएगा ये स्मार्टफोन।